नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशंस रिलेटेड आज सामने नया टॉपिक में लेकर आया हूँ, यूज्ड व्हीकल डीलर और रजिस्टर्ड व्हीकल डीलर के बारे में। उससे पहले कि अपन टॉपिक को स्टार्ट करें, अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे इनसे संबंधित कोई भी जो है नया वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं, यूज्ड व्हीकल डीलर एंड या रजिस्टर्ड व्हीकल डीलर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 दिसंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करके जो पुराने वाहनों का खरीदना और बेचने का कार्य करते हैं व्यक्ति या संस्था, वो संस्था को भी मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में लेके आया गया है, ठीक है ना। और यह प्रभावी 1 अप्रैल 2023 से इसको प्रभावी किया गया है। जैसे कि आपको पता है, पहले जो नए व्हीकल के सेल होते हैं वो एक डीलर के द्वारा होते हैं और डीलर को एक ट्रेड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, संबंधित जो आरटीओ ऑफिस है, संबंधित जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अपना ट्रेड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो नए व्हीकल को सेल कर सकता है। इसी प्रकार अब पुराने व्हीकल के अंदर भी, ठीक है ना, 22 दिसंबर 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके जो पुराने वाहन हैं उनके लिए भी बेचने और खरीदने के लिए उनको ऑथराइजेशन संबंधित परिवहन विभाग से लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कर सकते हैं। यानी कि उनको भी एक्ट के दायरे में, एमवी एक्ट के दायरे में लेकर आ गए हैं, यानी कि अब वो ऐसे सेल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 55A से लेकर 55H तक 8 नए रूल इंसर्ट किए हैं और इनके अंदर इनके रेगुलेशंस के बारे में बता रखा है, तो जो अपन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑथराइजेशन के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि नया जो डीलर होता है, नया व्हीकल डीलर, उसको ट्रेड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसी प्रकार जो पुराने वाहनों के लिए खरीदने का और बेचने का कार्य करेंगे उनको भी संबंधित परिवहन विभाग से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए उनको एक फॉर्म 29A के अंदर ऑनलाइन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तथा साथ में फीस 25,000 रुपये फीस, ठीक है ना, ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। पे करने के बाद में उनको ऑथराइजेशन नंबर अलॉट हो जाएगा और यह जो ऑथराइजेशन नंबर है, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है, यह 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि इसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स रहेगी। उसके बाद ये आप पुराने वाहन खरीदने और बेचने का कार्य कर सकते हैं। अब सबसे पहले ऑनर्स की ड्यूटी, जो व्हीकल ओनर्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी क्या ड्यूटी दी है, ड्यूटी ऑफ व्हीकल ओनर, यानी कि मैं कोई मेरा पुराना वाहन है और मैं इन डीलर्स के थ्रू बेचना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है। सबसे पहले इंटीमेट टू रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 29C इलेक्ट्रॉनिकली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड गेट एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी कि जब भी मैं अपना पुराना वाहन उस डीलर को सुपुर्द करूंगा, हैंडओवर करूंगा, हैंडओवर करते समय मुझे एक फॉर्म है 29C फॉर्म के अंदर मुझे जो संबंधित रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, यानी जहाँ से मेरा वाहन रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, उस रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा, भाई मैंने वाहन मैंने इस डीलर को सुपुर्द कर दिया है, ठीक है ना, हैंडओवर कर दिया है। करने के बाद आपको, सबमिट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी होंगे, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको रखना है, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, यही आपको शो करेगा आपने उसको हैंडओवर कर दिया गया है। अच्छा, साथ में जो उसके डॉक्यूमेंट है, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप उसको हैंडओवर कर देंगे। उसके बाद अगर जैसे 2-3 महीने मैंने वाहन उस डीलर के यहाँ रखा लेकिन वो मेरा वाहन बिका नहीं या मेरा बेचने का मानस बदल गया और उस वाहन को मैं वापस लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, अपने कब्जे के अंदर, तो आप वापस उसी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को फॉर्म 20D के अंदर इंटीमेट करेंगे कि भाई मेरा वाहन है, मैंने वापस आज की तारीख में ये वापस उस डीलर से मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये तो है डीलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, डीलर की ड्यूटी, ठीक है ना। अब है जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लिया है उसकी ड्यूटी क्या है, डीलर की ड्यूटी क्या है इसमें, तो पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीलर, डीलर की क्या पावर्स है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। सबसे पहले मेंटेन इन्वेंट्री, यानी कि जैसे ही ओनर ने अगर आपको व्हीकल सुपुर्द किया, सुपुर्द करते ही सबसे पहले आप उसको एक 29E के अंदर इन्वेंट्री आप उसकी मेंटेन करोगे, यानी इसको इंदराज करोगे। यह इलेक्ट्रॉनिकली होगा, यानी कि ऑनलाइन ही होगा, फिजिकल रूप में नहीं है, ठीक ना। यह करने के बाद, ठीक ना, आपका जो व्हीकल है उस व्हीकल को आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं चला सकते हो, ठीक ना, ना ही पब्लिक प्लेस पर उसको आप खड़ा कर सकते हो, जैसे कि सामान्यतः खड़ा रखते हैं फॉर सेल का बोर्ड लगा के, तो इस टाइप से पब्लिक प्लेस पर ना तो उसको पार्क कर सकते हो, ना ही पब्लिक प्लेस पर उसको स्टोर कर सकते हो, खड़ा, ठीक ना, रख सकते हो। लेकिन अगर आपको चलाने की जरूरत पड़ी कहीं पब्लिक प्लेस में, किन परिस्थितियों में चला सकते हो, तो वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती है उसके अंदर, जैसे आप ट्रायल के लिए ले जा रहे हैं कोई, तो उस केस में चला सकता है, डेमो के लिए चला सकता है,
अगर सर्विस कराना है व्हीकल का है तो चला सकता है, रिपेयर के लिए, पेंटिंग के लिए और फिटनेस और पीयूसी सेंटर जाने के लिए अगर उस वाहन को ले जाने की आवश्यकता है तो ले जा सकता है। लेकिन उस समय ले जाते समय एक तो उसके जो ऑथराइजेशन नंबर है यानी कि उसके जो डीलर के लाइसेंस नंबर है वो उसके ऊपर वाहन के ऊपर लगे होने चाहिए, तथा एक ट्रिप रजिस्टर होता है, ठीक है ना, ट्रिप रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री होनी चाहिए 29F, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो नए व्हीकल के अंदर एक फॉर्म 19 होता था, ठीक है ना, ऐसे कैसे यहाँ पे 29F दिया है, उस ट्रिप रजिस्टर में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, यह भी ऑनलाइन ही है, इलेक्ट्रॉनिकली रूप से ही करनी है। उसके बाद इन परिस्थितियों में उस व्हीकल को पब्लिक प्लेस पर चला सकते हो। तथा नेक्स्ट है डीलर सोलेली रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैलिडिटी एंड कंप्लीट फॉर, यानी कि व्हीकल डीलर के कब्जे में आने के बाद डीलर पूर्ण रूप से एज प्रकार से उसका डीम्ड ऑनर माना जाएगा, ठीक ना, और उस डीलर की समस्त जिम्मेदारी, अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट खत्म होते हैं तो उसके रिन्यू कराने की समस्त जिम्मेदारी डीलर की होगी, और यह डीलर उस वाहन के लिए आरसी रिन्यू करा सकता है, उस वाहन की DRC निकलवा सकता है, डुप्लीकेट RC निकलवा सकता है, उसका पोल्यूशन करवा सकता है, उसका इंश्योरेंस करवा सकता है, उसकी फिटनेस करवा सकता है और उसको ट्रांसफर भी करवा सकता है थ्रू फॉर्म 29C संलग्न करके, एनक्लोज करके उसको ट्रांसफर भी करवा सकता है। तो यानी कि वाहन जब उस डीलर के कब्जे पजेशन में आ जाएगा तो संपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी उस डीलर की हो जाएगी, उस समय ऑनर की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। जब ऑनर वापस ले लेगा वाहन तो उसकी वापस रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। एट ए ग्लांस सबसे पहले 29A 29A में एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन यानी कि ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन, 29B यानी कि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, 29C इंटीमेट बाई ऑनर यानी कि ओनर जब वाहन सुपुर्द करेगा तो 29C के अंदर वो इंटीमेट करेगा, 29D यानी कि जब वापस वो रिटर्न बैक लेगा, वापस गाड़ी को वापस लेगा उससे तो वो अरेस्टिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, 29E इन्वेंट्री रजिस्टर को मेंटेन करना है और 29F ट्रिप रजिस्टर। यूज्ड व्हीकल के जो डीलर हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है और यह 1 अप्रैल 2023 से पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है इसको, ठीक है ना। तो अब जो भी जो पुराने वाहनों के खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं तो तुरंत अपने 1 अप्रैल से अपना ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ले लें और इसके अकॉर्डिंग टू कार्य करें, नहीं तो वो अवैध माने जाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।